अंतर्गत महात्म के पंचम अध्याय में श्री भूपण जी की श्रीमद्भागवती कथा सप्ताह को सुन करके गुणकारी प्रेत योनि से मुक्त और वे इस प्रकार के निष्पाप हो गए कि उनको भगवत धाम ले जाने के लिए वैकुंठ से पार्षद विमान लेकर के उस समय गोपाल जी ने जो कथा बांटने वाले थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि कथा तो बहुत श्रोताओं ने सुनी है, तो आप लोग इन सबों के लिए विमान क्यों नहीं लाए? एक प्रकार का कर्म होने पर फलभेद कैसे हुआ? इस प्रश्न को सुन करके भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, यहीं से है ना, अभिभाषा हो लेकिन महात्म्य यह विषय इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा किस प्रकार सुननी है, उसका समग्र फल या सब परिपूर्ण फल किस प्रकार के श्रवण करने पर प्राप्त होता है, यह बात शास्त्र के द्वारा जाननी चाहिए। इसीलिए श्री भगवान के पार्षदों के मुख से वह बात कहलाई जा रही है। सामान्य किसी वक्ता के मुख से कही हुई बात नहीं, भगवान के पार्षद तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो वे इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। हरिदासा ऋतु श्रवण से विभेदेनो फल भेदो की संस्थित श्रवण तो कथम सर्वैर्ण कथा मननम कथम। भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, कहा कि देखो गोकर्ण जी, श्रवण को बैठे हुए सबों ने किया किंतु श्रवण करने में भेद है। भारवी ने पद लिखा है उत्तर रामचरितम और व्याकरण महाभाष्य के तत्वसांधिक में भी वर्ण अर्थवान है कि अर्थ शून्य है, इस प्रश्न को उठा करके देखिए शास्त्र की बात कैसे कही जाती है। वहां ये कहा गया कि केचित वर्णा अर्थवंता है, केचित अनर्थता है, महाभाष्य में किन्हीं वर्णों का अर्थ होता है किन्हीं का नहीं होता, तो कहिए क्यों? कहते हैं यह निसर्गजात स्वभाव, माने तत्त्व पद विशेष में वर्णों का अर्थ अलग अलग भी होता है और किन्हीं किन्हीं वर्णों का निरर्थक प्रयोग भी किया जाता है। श्लोकों में देखो है ना,
रचना की शोभा के लिए कोई पद प्रयोग कर दिए जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। इस श्लोक में उस पद के अर्थ का कोई अन्वय नहीं है, लेकिन प्रयोग कर दिया गया है, तो उसको शास्त्रकार कहते हैं कि वह छंद की शोभा के लिए कहा गया है। और कहीं कहीं उसी पद का अर्थ होता भी उसका वाक्यार्थ मानने भी होता है। तो इस प्रश्न को उठा करके भाष्यकार ने कहा चित अर्थ ही युज्यंते अपरे न युज्यंते। दृष्टान्त क्या दिया है भाष्यकार ने, गुरु वितरति प्राज्ञ विद्यां, शिक्षक गुरु 50 या 600 छात्रों के बीच में किसी वेद के मंत्र का व्याख्यान कर रहा है, वो सब सुन रहे हैं, उनमें से कोई तो उनके व्याख्यान के तात्पर्य को अवगत कर रहे हैं, तो इन्हें अवगत कर रहे हैं, यही है पद्यभागिनी का। गुरु वितरति प्राज्ञ विद्यां, तत्र केचित् अर्थ युज्यन्ते अपरे न युज्यन्ते, यही भाष्यकार कहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि सुना तो सैकड़ों लोगों ने, किंतु श्रवण करने में भेद था। सभी लोगों ने एक तरह से श्रवण नहीं किया, जैसे गुरु के व्याख्यान को अपनी अपनी प्रतिभा अपनी अपनी सामर्थ्य मेधा के अनुसार छात्र ग्रहण करता है, कोई पूरा ग्रहण कर लेता है, कोई आधा ग्रहण कर पाता है, कोई चौथाई कोई ग्रहण ही नहीं कर पाता, ये देखा जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण श्रवण में भेद है, ग्रहण वे छात्र नहीं कर पाएंगे जिन्होंने उसको सावधानी से श्रवण नहीं किया। तो ये उत्तर दे रहे हैं, श्रवण से विभेदेन फल भेदो की संख्या का, क्यों श्रवण दू कतम सर्वाई ही, श्रवण तो सबने किया, सब बैठे थे सभा मंडप में, सुन ही रहे थे, किंतु न कथा मननम करतम, अथा श्रवण भी सबने एक तरह से नहीं किया। श्रवण शब्द देखो पारिभाषिक है, वेदांत स्थान में आत्मदर्शन का साधन कहा गया है श्रवण मनन निधिध्यासन। आत्मा वारी दृष्टज्ञ विस्तुति यादिवल के लिए मान उसमें स्थान लगाने में मैत्री को उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए आत्मा का श्रवण करना, दर्शन करना, आत्मा वारी दृष्टज्ञ दर्शन माने साक्षात्कार करना था, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही, उसको मुक्त होना नहीं है ना, वो तो मुक्त है ही, किंतु उसको हम जानते नहीं है, हम अपने बेढंगे रूप को अपना आत्मा समझे बैठे हैं, अज्ञानों कहित स्वरूप को हम आत्मा समझे बैठे हुए। यदि आत्मा का दर्शन हो जाए हमको, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो वह तो नित्य मुक्त है ही, ये वेदांत की दृष्टि देखिए। तो कहते हैं कि उसका दर्शन कैसे होगा, तो याद रूप जी महाराज
या जीवन के लिए करते हैं, ये दही श्रुति है। आत्मा बारे द्रष्टव्य हरी मैत्रेयी, उनको प्राप्त करने के लिए आत्मदर्शन चाहिए। माने आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप हमको मालूम हो जाना चाहिए, साक्षात्कार हो जाना चाहिए। तो साक्षात्कार कैसे होगा प्रश्न हुआ था। साक्षात्कार तो साध्य है, तो इस साध्य का साधन क्या है। आगे उसी श्रुति में कहते हैं, श्रोतव्य मंतव्य निर्विध्यासितव्य। साक्षात्कार करने का साधन है श्रवण मन निर्विध्यासन, है ना। माने आत्मा के परम पारमार्थिक स्वरूप को गुरुओं के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों के द्वारा पहले श्रवण करो। सुनने पर जो अगर कोई संशय हो जाए, असंभावना विपरीत भावना आ जाए, तो उसको दूर करने के लिए मनन करो। हम मनन करके जब असंभावना विपरीत भावना निवृत्त हो जाए, हाँ, जो सुना गया अर्थ है वो बस ठीक ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उसमें फिर निर्ध्यासन करो, स्थिति प्राप्त करो। ये है साक्षात्कार। उस श्रवण की परिभाषा वेदांत ने बताई। श्रवण क्या है? श्रवण का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे सुन रहे हैं। श्रवण मन निर्ध्यासन तीनों पारिभाषिक वैदिक साधन है ना। ये कोई लौकिक उक्ति नहीं है। तो श्रवण की परिभाषा वेदांत दर्शन में बताई गई है कि आचार्य के मुख से वेदांत श्रुतियों का, है ना, परम ब्रह्मात्मैक्य में तात्पर्य का उदाहरण करना है श्रवण। सारी वेदांत श्रुतियां किस मुख्य अर्थ को कह रही हैं, उसका निर्धारण हो जाए। अच्छा, ये बात कही गई है, किसको कहा गया है श्रवण। तो इस तरह से श्रवण अगर नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी, उसका श्रवण जो है कैसे होना चाहिए। समग्र श्रीमद् भागवत शास्त्र का किस परम तत्व में निश्चय कराया गया है शास्त्र के द्वारा, कौन सा तात्पर्य व्यक्त किया गया है, उसको अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में स्थापित कर लेना, इसका नाम है श्रवण। इसलिए केवल इसी का नाम श्रवण नहीं है कि बैठे हैं सुन रहे हैं, कर रहे हैं। उस श्रवण में भी भेद हुआ, तो वही कहते हैं भगवान के पास, श्रवण तो कदम सर्वाई ही, सुना तो सबने, सब कान लगाए बैठे थे, न तथा मननम कृतम, किंतु उस प्रकार से मनन नहीं किए। देखो, मनन तो पीछे होता है, पहले श्रवण ही नहीं हुआ कभी। श्रीमद् भागवत का तात्पर्य के साथ में है, यह श्रवण पूरा नहीं हुआ। तो फल भेदस्ततो जातो भजनाधि मानव। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसीलिए, है ना, भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों को समर्थन में किया, किंतु ठीक ठीक श्रवण नहीं करने से और मनन नहीं करने से फल भेद हो गया।
किसी को कोई फल मिला, किसी को कोई फल मिला। जो प्रामाणिक फल है वह सबको नहीं मिला, मुख्य फल सत्परात्मको प्रेते शरण कृतम। अब भगवान के पाठक कहते हैं कि देखो केवल धुंधकारी ने जो समय किया है प्रामाणिक, उसी के लिए विमान आया। क्यों? सात रात्रि तक उपवास करके प्रेत ने, धुंधकारी ने उपवास पूर्वक सात रात्रि तक कुछ खाए पिए बिना श्रवण किया है। माने श्रवण में कितना तन्मय था वह कि खाने पीने की उसने परवाह नहीं की। और इसके बाद फिर उसने मनन भी किया, मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भवम। स्थिर चित्त में उसने मनन भी किया, भ्रषम माने अतिशय रूप में। मनन इसलिए किया जाता है कि जो सुना गया अर्थ है उसमें कोई विपरीत बात समझ में आने लगी, अरे ऐसा कहा गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, पूर्ण तो ऐसा चाहिए किंतु यहाँ ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो विपरीतता की प्रतीति होती है उसको मनन के द्वारा निर्मल किया जाता है। तो उसने प्रेत ने मनन भी किया, मैंने रात दिन जगते ही रहा। अब मनन करेगा तो दिन भर तो कथा हो रही है, रात में सो गया नहीं, मनन ही करता रहा। भ्रषम माने अतिशय मनन। और कहते हैं कि आदृढ़ हृतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। कोई सुना हुआ ज्ञान अगर दृढ़ नहीं हुआ है तो वह ज्ञान हृत हो जाता है, माने छिन्न हो जाता है, गायब हो जाता है। एक प्रमादेन हतम श्रुतम। और अगर सुनने वाला बैठा तो है, देखने में तो अच्छा लग रहा कि सुन रहा है बड़े गौर से, लेकिन मन में वो दिल्ली की बात सोच रहा है, बम्बई की बातें सोच रहा है, परिवार के बारे में सोच रहा है, ये प्रमाद हुआ। तो प्रमादेन हतम श्रुतम, तो सुना हुआ जो ज्ञान है वह हत हो गया, नष्ट हो गया। इसी तरह से संदिग्धो ही हतो मंत्र। अगर किसी मंत्र को जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ उसमें संदेह बन गया तो उसका फल नहीं है। जप चित्तो हतो जप। कोई व्यक्ति जप कर रहा है किंतु उसके चित्त में बड़ी घबराहट, अरे देखो हम इसलिए जप कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो जब भी नष्ट हो गया। वैष्णव हतो देशो, हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम, हतम श्राद्धम पात्रकम। जिस देश में वैष्णव पुरुष नहीं रहते हैं वह देश भी जो है महत्वहीन, हर का मतलब महत्वहीन होता है। और किसी ने श्राद्ध किया अपने पूर्वजों का, पिता पिता महादेवों का, लेकिन श्राद्ध का दान अपात्र को दे दिया, अपात्र को भोजन करा दिया, तो वह श्राद्ध जो है हट हो गया। हतम श्रोत्रिय दानम अनाचार हतम कुलम। दान जो है जो वेद नहीं जानता, श्रोत्री नहीं, श्रोत्री माने वेद जानता, उसको दिया गया दान जो है व्यर्थ चला जाता। और अनाचार हतम हतम कुलम। और कुल का नाश कब होता है?
जब भ्रांति आकार विकार छोड़ दिया जाए, क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनसा वाचा करना शास्त्रीय व्यवहार करने का नाम है सदाचार। यह सदाचार जिस कुल में नहीं है वह कुल का नाम है। ये पहले विपरीत दृष्टांत दिया भगवान के पास है, अब अन्य दृष्टांत दे रहे हैं। करना क्या चाहिए? विश्वासो दुर्वाक्यु स्वस्मिन जीवत्व भावना। भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो, गुरु के वाक्य वेद के वाक्य इन पर विश्वास हो पक्का, और अपने में नम्रता हो, अपने में छोटे पन की भावना, स्वस्मिन दीनत्व भावना, मनोदोष जैश्चैव कथाया निश्चलामति। और मन में जो दोष होते हैं भूत छल कपट आदि, इनको जीत ले करने, विजय प्राप्त करने, मन में कोई दोष न रहने पावे, और कथाया निश्चलामति, और भगवान की कथा में बुद्धि निश्चल हो। एवमादिकतम चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्। इस तरह से यह जो तीन चार बातें अगर की जाए संपन्न हो तो श्रवण करने में समग्र फल प्राप्त होता है। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्। गोकर्ण तौ गोविंदो भूलोकम दास्यति स्वयं। देखिए कहते हैं कि भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो, आप निराश न हो, है ना, सुनने का ढंग पहले जान लेना चाहिए, विधि समझ लेना चाहिए और फिर से सुनो। तो ऐसा थोड़े कि एक बार तू गए तो फिर नहीं सुन सकते, है ना। तो उससे निश्चित रूप से भगवत लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठे बसते धूप, ध्रुवम निश्चित, लोकान पर गोविंदो भूलोकम दास्यति स्वयं। हे भगवान के पार्षद, गोकर्ण तो कहते हैं कि गोकर्ण जी, आपको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, भगवान स्वयं आपको गोलोक धाम दे देंगे। पार्षद तो त्रिकालज्ञ है, कहते हैं कि तुमको तो भगवान स्वयं गोलोक धाम दे देंगे, ये बिल्कुल से भी बढ़कर के, जहाँ भगवान के परिकर है ना बिहार करते हैं वह धाम तुमको। एव मुक्ता एव सर्वे, एव मुक्ता एव सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। इस प्रकार से भगवान के पार्षद कह करके उत्तर दे दिया और सब चले गए। धुंधकारी को विमान में बैठा लिया और चले गए। और इधर दूसरे श्रोताओं ने और गोकर्ण जी ने सुन लिया और सब भगवान का कीर्तन करने लगे। श्रावणे मास गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। इसके बाद श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः सप्ताह कथा का आयोजन किया दोबारा। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की, श्रोताओं को खूब समझाया कि देखो, अगर विमान चाहते हो तो ऐसे कथा सुननी चाहिए। तो इस बार लोगों ने सावधान होकर के कथा का श्रवण किया।
सत्पुरात्रिवते भूयः श्रमणं तैः कृतं पुनः तथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। शंकादि वर्णन कर रहे हैं कि हे नारद जी, सात रात्रि दिन तक सब श्रोताओं ने श्रावण के महीने में पुनः कथा सुनी और जब सात दिन पूरे हो गए, कथा समाप्ति का समय आया तो एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई, वह मैं तुमको बताता हूँ। सुनो क्या हुई घटना। विमानै सह भक्तैश्चो हरिः आविर्बभूवः। विमानै सह भक्तैश्चो, भगवान के बहुत सारे भक्त विमान में बैठ करके आ गए। माने विमान में विराजमान भक्तों के सहित भगवान वहां प्रकट हुए। आविर्बभूवः, जय शब्दा नमः शब्दा तत्रासन बहवस्तदा। जय हो जय हो, भगवान की जय हो, भगवान को नमस्कार हो, इस प्रकार के शब्दों की ध्वनि गूंजने, जय जयकारे लगे। पांच जन्म ध्वनि चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि। उस वातावरण में इतना आनंद आया कि भगवान स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाने, गोकर्णं तु समालिंग्या करोत् स्वसदसं हरिः। और देखिए पार्षदों ने जैसे बताया था कि भगवान गोकर्ण जी को स्वयं उठा करके गले लगा दिया, आलिंगन कर और अपना ही रूप दे दिया उन्हें। अब गोकर्ण काला का अस्तित्व ही नहीं रहे, भगवत स्वरूप बन। श्रुति नन्यान घनश्यामान तीर्थ कौशेय वाससः, किरीटिनः कुंडलिनः तथा चक्रे हरिक्षणा। इतना ही नहीं, दूसरे जो श्रोता उस कथा में थे उन सबों को विधि पूर्वक सबों ने सुना था, तो भगवान ने उन सबों का स्वरूप अपने समान बना दिया। घनश्यामान बादल के समान श्याम मन उनके भी हो गए, सब श्रोता सैकड़ों कौशेय वाससः। और सभी के वस्त्र जो हैं रेशमी पीले वर्ण के हो गए। किरीटिनः कुंडलिनः, सबके सिर पर मुकुट, कानों में मकराकृति कुंडल तथा चक्रे हरिक्षणा। भगवान श्री हरि ने एक क्षण में सबको अपने समान रूप दे दिए। सारूप किसको करते, तद्वा ग्रामे स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातया। विमाने स्थापितास्ते की गोपन कृपया तदा। इतने नहीं, उस ग्राम में जितने जीव जंतु थे, कुत्ते चांडाल जाति तक सारे जीव विमाने स्थापितास्ते थी, उन सबों को विमान में स्थित होने का अवसर मिल गया। ये गोकर्ण जी की कृपा का फल है। इतना दिव्य वह उत्सव हुआ, कथा हुई कि सब तन्मय होकर के कथा श्रवण के फल स्वरूप सबको विमान प्राप्त हो गया। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, और वे सब के सब भगवान के लोक को चले गए।
जहाँ पर बड़े बड़े योगी जाया करते हैं, इतनी लंबी साधना के बाद योगियों को भगवान का जो धाम मिलता है वह केवल कथा सप्ताह सुन करके मिल गए। आप कहते हैं भूकर्णेन स गोपालो भूलोकम गोप बल्लभम कथा समात प्रीतो ध्येयो भक्तवत्सल। और देखिए सबको तो भगवान का धाम मिल गया, अब भगवान ने क्या किया? कहते हैं कि गोकर्ण को साथ भगवान ने लिया, स्वयं भगवान गोपाल वेशधारी बन गए, गोकर्ण को अपने साथ ले लिया है ना। गोलोकम गोप बल्लभम, गोलोक को ले गए, गोलोक जो है सर्वोच्च धाम भगवान के धाम का निपुरान बड़ा बना है। गोप बल्लभम, गोपों का जो परम प्रिय धाम है, गोप लोग जहाँ बयानों से लीला में सम्मिलित होते हैं, कथा श्रवण तक प्रीतो निरयो भक्तवत्सलः। इस प्रकार से कथा के श्रवण से अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तवत्सल भगवान अत्यंत तृप्त हो गए, आनंदित हो गए। क्या कहते हैं शंकादी? कहते हैं कि हे नारद जी देखो, अयोध्या वासिन पूर्व यथा रामिल संगता तथा कृष्ण ते नीता भूलोकम योग दुर्लभम। रामायण में वर्णन आया है कि भगवान जब साकेत धाम को जाने लगे 11,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद, तो अपनी राजधानी अयोध्या के सारे जीव जंतु भगवान के साथ विमान में बैठ करके साथ ही गए। यथा रामेण संगता, भगवान के साथ है ना। अब ये देखिए उसमें सब जो है विमान में तो साथ बैठ गए, फिर तो बीच में मार्ग में जो जिस धाम के में पहुंचने लायक था वहां वे पहुंचते चले गए। साक्षात भगवान का जो साकेत धाम है वहां तो विशेष विशेष लोग पहुंचे। संगता तथा कृष्ण ते नीता भूलोकम योग दुर्लभम है ना। कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी अपने सभी भक्तों को गोलोक ले जाया गया। कौन सा गोलोक? जो योगियों को भी दुर्लभ, योगियों को भी दुर्लभ जो गोलोक धाम है सर्वोच्च, वहां भगवान के साथ वे सब पहुंच गए। गोलोक धाम की महिमा बताए, यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतस्तवा। शनकादि ऋषि कहते हैं कि देखो उस गोलोक धाम में सूर्य की, चंद्रमा की और सिद्धों की भी गति नहीं है, कदापि गति न, कम लोकम ही गतास्ते तु, ऐसे उस गोलोक धाम को वे सब चले गए। ते तु श्रीमद् भागवत श्रवा, क्यों? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का ये महान फल। यह कह करके उपसंहार करते हुए कहने लगे कि देखो ब्रह्मोद्यते किं फल दण्डमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितम्
कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरम व्यय पेतम शते गर्भगता नभूय। शनकादिकों का कहना है कि देखो श्रीमद् भागवत की कथा से जो फल प्राप्त हुआ वह फल उज्ज्वल फल, फल बंद माने फलों का समुदाय उज्ज्वल, उसका हम कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक कथन करें। सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम्, सप्ताह यज्ञ की कथाओं के सुनने से जो फल बंद संचित हुआ उसका कोई कहाँ तक वर्णन कर सकता है, हम कहाँ तक वर्णन करें। केवल संक्षेप में इतना जान लो, कर्णेन गोकर्ण कथा क्षरम यही, गोकर्ण जी के द्वारा कही गई भागवत की कथा जिसने अपने कानों से पी लिया, यही पीतम चते गर्भगता न भूय, वे फिर गर्भवास को पुनः प्राप्त नहीं हुए माने उनको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ा। इतनी बड़ी मन फिर कहते बातानुकरणासन वेद शोषण तेह शोषण तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचित योगैश यान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति यान। शनकादि कहते हैं कि देखो वायु जल सूखे पत्ते, तपस्वी लोग केवल जल पी लेते हैं, वायु पी लेते हैं, सूखे पत्ते खा लेते हैं और इस तरह से करके देह को सुखाते रहते हैं, है ना। ऐसे देह को सुखाने वाले तपों के द्वारा भी और वह भी चिरकाल संचित ही, है ना, महीने दो महीने नहीं, बड़े लंबे काल से इतना तप संचित किया गया हो, ढेर लग गया हो, योगेश और बड़ी बड़ी योग साधनाओं के द्वारा उसकी शक्ति संचित हो गई हो, संयांतनताम गतिम वही, किंतु इन दोनों साधनों के द्वारा भी वह गति प्राप्त होना संभव नहीं है। सप्ताह गाथा श्रवणे नियांतियां, कौन सी गति, जो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने से जो गति प्राप्त हो जाती है श्रोताओं को, इतना बड़ा महत्व। आप एक बात और कहें, प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि देखो इतिहास निमं पुण्यम सांदिन्योपि मुनि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। देखो नारद जी, यह इतिहास जो हमने तुमको सुनाया चार अध्याय नहीं, चौथे और पांचवे में आकृति की रईश्यम से लेकर के दो अध्याय में जो इतिहास हमने वही आत्मदेव ब्राह्मण से लेकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर जो नगर था वहाँ रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, वहाँ से ये इतिहास सुनाया। यही इतिहास इतना ये पुण्य पवित्र इतिहास है कि मुनियों में तो मुनीश्वर शांडिल्य जी पठते चित्रकूट स्था, चित्रकूट में निवास करते हैं, इस इतिहास को बार बार दोहराते रहते हैं। पठते चित्रकूटस्थ ब्रह्मानंद परिप्लुत, और इसको बार बार दोहराते हुए वे ब्रह्मानंद से डूब जाते, ब्रह्मानंद परिप्लुत, इतना आनंद आता है उसे
पक्षी ब्रह्मानंद में ही डूब जाते हैं। इस पुण्य इतिहास की महिमा है। फिर कहते हैं आख्यान में तत्परम पवित्रम श्रुतम सकृत वै विधे दघौम श्राद्धे प्रयुक्त पितृतृप्तिमा वहे नृत्यम सुपाठा दुनर्भवन। संकादि कहते हैं कि इस परम पवित्र आख्यान को अगर कोई मनुष्य एक बार सुन लेता है तो अभौम विदहेत तो पाप के समुदाय को भस्म कर देता है। विदहेत अभौम सारे पापों का समुदाय रोग बने समुदाय जल जाता है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमा वहे अगर इस आख्यान को कोई श्राद्ध काल में पारायण करे पाठ करे तो इसको सुन करके पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। पितृ तृप्तिमा वहे क्यों जो कोई भी सुनेगा इससे भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए। भगवत भाव से उत्पोत हो जाएगा। नित्यम सुपाठा द पुनर्भवम का अब यदि कदाचित कोई नित्य इसका पाठ करने लगे शुद्ध तो मोक्ष मिलेगा। नित्यम सुपाठा द पुनर्भवम तो अपनर्भव माने मोक्ष फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा फल इसलिए होता है असल में कि पाठ करते करते पाठ करने वाली की चेतना भक्त वत्सल भगवान में विलीन हो जाए भगवत भावापन्नता प्राप्त हो जाए इसलिए फिर वह पुनः संसार में जन्म नहीं प्राप्त करता। हरिओम तत्सत श्रीपद पुराणे श्रीमद्भागवत महापुरुषम नाम अंतमोध्याय आप देखिए अब अंतिम शास्त्राध्याय में कथा की विधि का उपदेश किया जा रहा है। सप्ताह कथा का जो विधान है उसका बड़ा महत्व वह भी शास्त्र के द्वारा कहा गया है। 5-10 मिनट थोड़ा सा चलते हैं। कुमारा उजू अथ थे संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधि सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साधु विधि श्लोक। शंकादि कहने लगे कि हे नारद जी अब हम तुमको श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा श्रवण की विधि बताएंगे क्योंकि विधि का ठीक ठीक पालन करना जरूरी है तब फल ठीक ठीक मिलता है। पहले कहते हैं देखो सहाय ही वसुधिश्चैव एक तो तुम्हारे सहयोग करने वाले कई लोग हैं और धन संकट धन भी हो प्रायः साधु विभीषण है इन दोनों के द्वारा यह सप्ताह विधि का आयोजन साध्य होता है। पहले क्या करना चाहिए दैवज्ञम तु समाभूय भूतम प्रक्ष यत्न का बड़े यत्न पूर्वक ज्योतिष देवता को बुला करके और मुहूर्त पूछना चाहिए महाराज हमारी कथा सुनने की इच्छा है आप समय बताइए और विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये विवाह में जैसा धन खर्च होता है उस प्रकार के धन की व्यवस्था करें।
नभस्य आशदोर्जवच मार्गशीर्षः सुतिर्नभः एते मासा कथारम्भे सुतिराम भूक्षसूचकाः है ना। नभस्य और आश्विन भादम आश्विन पूज मने कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन है ना। सुतिर नभाः मने आषाढ़ और सावन मने एक क्रम से आषाढ़ सावन भादो द्वार कार्तिक अगहन छह महीने हैं ये परम पवित्र हैं कथा सप्ताह के लिए। एते मासा कथारम्भे सूतिनां मुख्य सूचकाः ये छह मास जो हैं श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करने वाले श्रोताओं के लिए मोक्ष के सूचक है। माने अगर उनका जुगाड़ इन महीनों में बनता है तो मोक्ष के निकट पहुंचेंगे, उनको मोक्ष मिलने वाला होगा, नहीं तो कोई न कोई विघ्न आ जाएगा, भाई इस समय तो नहीं हो सकता, फिर अच्छा आगे देखेंगे, फिर देखेंगे। किंतु उन्हीं का जुगाड़ बन जाता है जिनको मोक्ष मिलना होता है, इसलिए मोक्ष के सूचक। कहते मासानाम विग्रह यानी तान त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे चात्रो कर्तव्या सूज्यमा के लिए। शंकादी कहते हैं कि जिन महीनों को त्याज्य बताया गया है कि इन महीनों में कथा नहीं सुननी चाहिए है ना, तो उनको सब प्रकार से त्याज्य ही मानना चाहिए। कोई लोग समाधान निकाल लेते हैं, अरे भगवान की कथा में क्या नियम है, किंतु नहीं, अगर किसी उद्देश्य को लेकर के कथा हो रही है, जहाँ भगवान की कथा का नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, उसका मतलब बारह महीने निरंतर चलते हो तो ठीक है, किंतु अगर विशेष उद्देश्य को लेकर के आप करना चाहते हैं तो जो महीने त्याग भी कहे गए उनको त्यागना ही चाहिए। सहाया क्षेत्रे चात्र कर्तव्य सूर्य मास चाहिए। और देखो इस आयोजन को करने के पहले ऐसे सहयोगियों को इकट्ठा करो जो बड़े उद्यमी हैं, केवल बात करने वाले नहीं, तो उद्यमाक चाहिए। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेषया प्रयत्नता। और जब निश्चित हो जाए, तिथि मुहूर्त तय हो जाए, तो देश देश में श्रीमद् भागवती कथा वार्ता का समाचार प्रयत्नपूर्वक भेजना चाहिए, सबको खबर करो। भविष्यति कथा चात्रो आगंतव्यम कुटुंबिभिः है ना। कैसे समाचार देना चाहिए, देखिए महाशय जी आप भगवान के अनुरागी हैं, देखो हमारे यहाँ कथा होने वाली है, आप लोग कुटुंबियों के सहित जरूर आइए है ना। ऐसे दूरे हरि कथा के चित दूरे चाचित कीर्तना श्रूतादेव ये चो तेषाम बोधो यतो भवे। कहते हैं देखो जो भगवान की कथा से अब तक दूर पड़े रह गए, भगवान के कीर्तन में भी सम्मिलित नहीं हुए है ना, ऐसी स्त्रियां और श्रूत दादी इनको भी जो है सन्मार्ग में लाने के लिए इन सबों को भी आहूत करना चाहिए, बुलाना चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा केतुनोत्सुका देशे पत्रम प्रेष्यन्ते तल्लेखन मितेरितम। उन्हें कहते हैं देखो बड़े बड़े विरक्त संत वैष्णव जो भगवान के कीर्तन के बड़े उत्सुक रहते हैं, कोई कहीं कीर्तन हो चलेंगे वहाँ, तो कहते हैं कि उनके पास पत्र भेजना चाहिए। देशे पत्रम प्रेष्यन्ते
और उस उनके पास जो पत्र भेजा जाए उसमें क्या लिखना चाहिए, उस लिखने की वार्ता भी बता रहे हैं। ऐसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सदाम समाजो भविता सत्वरात्म सुदुर्लभा। हे संत जी, हमारे यहाँ सत्पुरुषों का समाज होने वाला है, सात रात्रि तक चलेगा, बड़ा दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अपूर्व स्वरूपे व कथा चात्र भविष्यति, और इस समाज में ऐसा रस कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसी भगवान के अपूर्व रस वाली कथा होगी। इसलिए श्री भागवत पीयूष पाना रस लंपटा भवंतस्य तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परा। फिर क्या लिखना चाहिए आगे, आप श्रीमद् भागवत रूपी अमृत के पान करने में लंपट है, माने बड़े उत्सुक रहने वाले हैं, हम जानते हैं आपको, इसलिए आप शीघ्र आ जाइए, प्रेम पूर्वक तत्पर होकर के समय निकाल करके आइए। अच्छा, अब मान लो जिसको तुमने पत्र भेजा है उनके यहाँ कोई कारण पैदा हो गया है, तो कहते हैं तुम्हें फिर यह लिख देना चाहिए, नावकाश कदापि चेत दिनमात्रम तथा पितु। देखो, अगर पूरी कथा के समय में रहने का अवकाश आपके पास नहीं हो तो एक दिन के लिए निकाल लीजिए, एक दिन तो आना ही आना। सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्पैवसु दुर्लभा, इसलिए किसी न किसी प्रकार से आगमन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यह कथा का एक क्षण भी बड़ा ही सुदुर्लभ है। एवमाकारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च, इस प्रकार से बड़े विनय पूर्वक उनको बुलाना चाहिए। आगंतुकानाम सर्वेषाम बासस्थानानि कल्पये, और सभी आगंतुकों को बासस्थान देना चाहिए, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं मतम। अच्छा, यह कथा का आयोजन कहाँ करना चाहिए, तीर्थ हो चाहे वन हो चाहे घर ही हो, है ना। हाँ, इतना जरूर है, विशाला बसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, है ना, जहाँ पृथ्वी का मैदान काफी हो, सारे लोग बैठ सकें हजारों में, उसको कथा स्थल बनाना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम, पहले भूमि का शोधन करो, मार्जन झाड़ू लेपन गोबर से लेपन करो, धातुओं से उसको सजाओ, गृहोपस्करम उद्भृत्यो गृहपूर्णे निवेशये। अच्छा, यदि घर में कथा करने जा रहे हैं आप, तो सामग्री को एक कोण में रख दो, सामान इधर उधर फैलाना पड़ा रहे, जगह काफी खाली रहनी चाहिए। अरवा पंचाहतो यत्ना दास्तरणानि प्रमेलये, पांच दिन के पहले से ही बड़े यत्न पूर्वक बिस्तर आदि बिछाने के लिए श्रोताओं को एकत्र कर लेना चाहिए, ये नहीं कि अभी तो तीन दिन है फिर कुछ समय कर लेंगे, ये विधान पहले से सब कर लेना चाहिए। तत्परता का मतलब है ना, लापरवाही प्रमाद नहीं, तत्परता मालूम होनी चाहिए, है ना। कर्तव्य मंडप प्रोचई कदली खंड मंडित, केले के खंभे बना करके एक विशाल मंडप बनाना चाहिए। फल पुष्प दलाई विश्व विदानीन विराजित, उसमें फल फूल दलों से चारों ओर उसको सजाना चाहिए। चतुर्दिक्ष ध्वजारोप बहु संपद विराजित, चारों दिशाओं में ध्वजाएं लगा दी जाए, और बहु संपद विराजित, और भी अनेक प्रकार से उसको सजावट कर दी जाए। ऊर्ध्वं सप्तयोलोकाश्च कल्पनीयाश्च विस्तरम, है ना, ऊपर की ओर सात
लोक बनाने चाहिए। ऐसा मंडप वाराणसी में महाराज की कथा हुई थी अखंडन में, वहाँ ऐसा मंडप बना। ये सन 65-66 की बात है, बहुत दिव्य बना जैसा यहाँ कहा गया है, एकदम ठीक है। आनंद इमा जी श्रोता थी, तेषु विप्राः विरक्ताश्चोस्थापनीया प्रबोधित। उन सप्तलोकों में ब्राह्मण और विरक्त उनको प्रार्थना पूर्वक आवाहन करके उनको स्थापित करना चाहिए। पूर्व तेषाम आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्, पहले उनके आसन लगाने चाहिए, उसके बाद वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनम परिकल्पये, वक्ता के लिए भी दिव्य आसन स्थापित करना चाहिए। उदम मुखो भवेत वक्ता श्रोता वे प्रारंभ सदा, अगर वक्ता का मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता को पूर्व मुख बैठना चाहिए। प्रारंभ से भवेत वक्ता श्रोता तो उदम मुख सदा, और यदि वक्ता जो है प्रारंभ होकर के बैठा है ऐसा मंच है तो श्रोताओं को उदग्मुख होकर के बैठना चाहिए। अथवा पूर्विज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः, अथवा श्रोता वक्ता दोनों ही पूर्व दिशा की ओर मुखारविंद करके बैठ सकते हैं। श्रोतिरा मार्ग में प्रोक्ता देशपाला भी कीर्ति को विदयी, है ना, देशकाल आदि को जानने वाले कोविद लोग, ज्ञाता लोग इस प्रकार से श्रोताओं के बैठने की विधि बताते हैं। विरक्तो वैष्णव विप्रो भीर शास्त्राधिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो के निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वीर शास्त्र का विशुद्ध तात्पर्य जानने वाला, दृष्टांत देकर के बात को समझाने में कुशल हो, धीर हो, है ना, और अत्यंत निष्क्रिय हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। बस ये संगीता का भी एक महात्म्य दिया गया है।